प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कलेक्ट्रेट परिसर विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को गोरखपुर शहर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी काशीराम से चंद्रशेखर, बसपा प्रत्याशी ख्वाजा शमशुद्दीन, पिपराई से सपा के अमरेंद्र निषाद, गोरखपुर ग्रामीण से सपा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव सहित जिले में 19 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। सहजनवा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 4 अभियुक्तों को अवैध गांजा के साथ किया गिरफ्तार। 469 किलोग्राम अवैध गांजा, 25 प्लास्टिक के खाली ड्रम, 3000 रुपए नकद, 2 मोबाइल, 2 आधार कार्ड किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के सदर प्रत्याशी ख्वाजा शमशुद्दीन, कांग्रेस की खजनी विधानसभा से प्रत्याशी रजनी देवी सहित अन्य दल के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कहा, चुनाव जीतने पर गड्ढा मुक्त सहित जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना होगा पहली प्राथमिकता। जनपद में एमएलसी चुनाव के लिए 10 फरवरी से होने वाले नामांकन की तारीख को भारत निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर किया 15 मार्च, 9 अप्रैल को होगा मतदान, 12 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती। विधानसभा चुनाव के लिए सपा के ग्रामीण विधानसभा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव और पिपराइच विधानसभा से प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन। कहा, चुनाव जीतने पर जल जमाव सहित जनता को सभी सुविधा उपलब्ध करवाना ही होगी पहली प्राथमिकता। बिहार से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व शहर विधानसभा के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन। कहा, यह जनता का है चुनाव, जनता जिसे चाहे हराए या जिताए, हमें है मंजूर। गोरखनाथ पुलिस ने एसएसटी टीम के साथ वाहन चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को अवैध गांजा के साथ किया गिरफ्तार। 5 किलो अवैध गांजा, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार, 1 मोबाइल, 1000 रुपए नकद किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 355 केंद्रों पर 30,351 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,161 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 21,776 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, ज्यादा से ज्यादा लोग कराएं टीकाकरण, कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान अधिकारी द्वितीय का प्रशिक्षण मंगलवार को भी रहा जारी। ईवीएम मशीन के संचालन सहित मतदान कराने की दी गई विस्तृत जानकारी। और गोरखपुर में मंगलवार को पाए गए 29 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 557। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।